इंडिया में लोग टीवी सीरियल से ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। इसी वजह से अब ओटीटी प्लेटफॉर्म हर हफ्ते एक वेब सीरीज रिलीज करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी सारी वेब सीरीज होने की वजह से लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो कौन सी वेब सीरीज देखें और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 10 वेब सीरीज बताने जा रही हूँ जिन्हें आप अपने वीकेंड पर एंजॉय कर सकती हैं और ये नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा बार देखी गई है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है कॉल माय एजेंट। इस सीरीज में टोटल 4 सीजन्स हैं और ये सीरीज फ्रेंच की फेमस वेब सीरीज डिक्सपोर्सेंट का हिंदी वर्जन है। इस सीरीज में बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स देखने को मिले और ये शो इतना इंटरेस्टिंग है कि इसे देखकर आप स्क्रीन से हिलना पसंद ही नहीं करेंगे। ये सीरीज हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक नया चेहरा दिखाती है, उस बॉलीवुड का चेहरा जहाँ 99% लोग नाकाम होते हैं और फिर पूरी जिंदगी रोते हैं। सीरीज शुरुआती मिनटों में ये बता देती है कि जो 1% लोग बॉलीवुड में सक्सेस होते हैं वो अपनी कहानी बना बना के बेच बेच के दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं और लोग उनकी बातों को सच भी मानने लगते हैं। बॉलीवुड एक बेकार जगह है, जंगल है, यहाँ या तो शिकार करो या शिकार हो जाओ। मगर इस क्रूअल वर्ल्ड के पीछे भी एक वर्ल्ड है, एजेंसीज, एजेंट्स और मैनेजर्स की दुनिया। ये लोग स्पेशली स्टार्स को मैनेज करते हैं। सीरीज को रियल लुक देने के लिए यहाँ बॉलीवुड स्टार्स को लिया गया है, मगर यहाँ आपको वही चेहरे नजर आएंगे जिनकी चमक थोड़ी फीकी है। दिया मिर्जा, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ, नंदिता दास, लिलिट दुबे से लेकर अली फजल और ऋचा चड्ढा तक, मांशु धूलिया और टीनू आनंद जैसे डायरेक्टर और एक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान भी लीड रोल में हैं। 9th नंबर पर है सेक्रेट गेम्स। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन हैं और नेटफ्लिक्स पर इंडियंस के लिए ये पहला ऐसा शो था जिसने दर्शकों को चौंका कर रख दिया था। सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं सबने जबरदस्त एक्टिंग की है और ये सीरीज देखने के बाद व्यूअर्स इसके हर कैरेक्टर के दीवाने हो गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस सीरीज में जो सभी लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज खुद देखनी होगी। और अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो फिल्म की कहानी 80s के डिकेड में मुंबई के एक डॉन गणेश गायतोंडे की वापसी से शुरू होती है। सालों से गायब गणेश एक मेगा डॉन है और पूरा शहर उसके नाम से थरथराता है। आप असल जिंदगी में उसे दाऊद इब्राहिम के इंडिया में लौट आने जैसा मान सकते हैं। गणेश अचानक एक दिन मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सरताज सिंह को फोन करता है और उसे 25 दिनों में मुंबई को खत्म करने की एक सीक्रेट प्लानिंग के बारे में बताता है। लेकिन इससे पहले कि सरताज कुछ और जान पाता, गणेश खुद को गोली मार लेता है और सरताज के सामने छोड़ देता है कई सारे सवाल। तो आखिर मुंबई को 25 दिनों में कैसे खत्म किया जाएगा? गणेश गायतोंडे ने सिर्फ सरताज को ही क्यों फोन करा? आखिर गणेश के वापिस आने और फिर सुसाइड करने के पीछे का रीजन क्या है? अब ये सारे सवालों के जवाब तो आपको ये सीरीज देख के मिलेंगे। 8th नंबर पर है ल्यूपिन। इस सीरीज में टोटल 2 सीजन है जिन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज में जो एसएन है वो नेगेटिव रोल में है। वो काफी सारी चोरियां करता है पर फिर भी आपको उसका करेक्टर काफी पसंद आने वाला है। अब इसमें दिखाया गया है कि उसके फादर को पेलिग्रिनी फैमिली ने एक गलत इंजाम में जेल पहुंचा दिया था एक नेकलेस की चोरी के अंदर और उन्हें वहां शर्म के कारण अपनी जान देनी पड़ती है। और अब एसएन ने ये ठान लिया है कि वो दोबारा उस नेकलेस की चोरी करेगा और अपना बदला पूरा करेगा। अब वो कैसे इस चोरी को अंजाम देगा ये तो आप खुद देखना, क्योंकि मैं आगे की स्टोरी बताकर आपका मजा किरकिरा नहीं करना चाहती। और इस सीरीज में आपको काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और इसमें काफी ज्यादा मिस्ट्री भी होगी। 7th नंबर पर है ल्यूसिफर। इस सीरीज में टोटल 5 सीजन्स हैं और इस वेब सीरीज की कहानी ये है कि जो नर्क का राजा होता है जिसको बाइबल में ल्यूसिफर कहा जाता है वो अपने फादर यानी गॉड से लड़कर नर्क छोड़कर धरती पर रहने आ जाता है। तो गॉड उसके भाई यानी कि एक देवदूत को धरती पर उसे वापस नर्क लेकर आने के लिए भेजते हैं और बस इसी पर इसकी कहानी आगे चलती रहती है। मुझे तो इसकी स्टोरी काफी ज्यादा बेहतरीन लगी। ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा कि लूसिफर धरती पर क्या क्या करता है और कहानी आगे क्या क्या मोड़ लेती है। 6th नंबर पर है क्वीन चार्लोट अ ब्रिजरटन स्टोरी। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन हैं। इस सीरीज में लीड रोल में हैं यूलिया वेस्टकॉट हटन, कोरी माइलक्रिस्ट और सिरिल नरी। ये सीरीज स्टार्ट होती है डेफने और सिमोन की लव स्टोरी से और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये चार्लोट के रियल लाइफ पर बेस्ड है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्वीन काफी शोहरत कमाती है और उसे खुलकर एंजॉय करती है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। हमारी 5th मूवी है मनी हीस। इस सीरीज में टोटल 3 सीजन्स हैं
जिन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और ये एक ऐसी स्पेनिश वेब सीरीज है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। OTT की दुनिया का हर एक फैन बेला चाओ सॉन्ग से अच्छी तरीके से वाकिफ है। इसकी स्टोरी में मास्क पहने हुए 8 चोर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में खुद को बंद कर लेते हैं। इस पूरी डकैती में उनका मास्टरमाइंड प्रोफेसर पुलिस को चकमा देते हुए पैसे लूटने में अपने साथियों की मदद करता है। सीरीज की शुरुआत टोक्यो नाम की एक लेडी के नरेशन से स्टार्ट होती है। इस कहानी के हीरो हैं प्रोफेसर और ये 8 लुटेरे। और मुझे तो पर्सनली ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगी। 4th नंबर पर है ढामर मॉन्स्टर। जेफरी ढामर अमेरिका की क्राइम हिस्ट्री के सबसे क्रूर, सनकी और खतरनाक किलर्स में से एक था। यहाँ तक कि उसके ऊपर आदमखोर होने के एलिगेशंस भी लगे हुए थे। इस सीरीज का अभी एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं। और सीरीज की शुरुआत 1991 में होती है जब उसकी पड़ोसी ग्लेंडा उसके घर में एक अजीब सी स्मेल आने की शिकायत करती है। ढामर को मिलवाउनी कैनिबल के नाम से भी जाना जाता है। वो कितना शातिर है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने 1978 से 1991 के बीच 17 लोगों का बेरहमी से मर्डर कर दिया और बाद में उनका मांस खाया मगर पकड़ा नहीं गया। और फिर 1994 में उसकी डेथ हो गई। जेल में क्रिस्टोफर नाम के कैदी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। और जेफरी पर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की है। 3rd नंबर पर है वेडनेसडे। इस सुपरनेचुरल कॉमेडी और हॉरर वेब सीरीज का अभी एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। और इसकी कहानी एडम्स फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है और बोला जा रहा है कि इसका दूसरा सीजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसकी स्टोरी में वेडनेसडे एडम्स नाम की एक लड़की अपने परिवार और दोस्तों को शैतानों से बचाने में लगी रहती है। टिम बर्टन का शो वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी पर बेस्ड है जहां आपको वेडनेसडे और उसके दोस्त इनिड, टायलर और जेवियर देखने को मिलेंगे। ये सीरीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तब लगेगी जब आपको पता चलेगा कि इस सीरीज में राक्षस कौन है। आपको हर कदम पर नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा देंगे। 2nd नंबर पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। इस सीरीज के टोटल 4 सीजन्स हैं। इसमें 80s के डिकेड की यादों को हॉरर के अनोखे अंदाज में पेश किया गया है। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के के गायब हो जाने से और इसके बाद से ही इस छोटे से शहर के लोगों को सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, डरावनी शक्तियों और एक अनोखी छोटी सी लड़की के बारे में पता चलता है। डफर भाइयों की ये कहानी फैंस को खूब पसंद आई थी और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक माना जाता है। इसकी तारीफ इसलिए भी होती है क्योंकि इसने इंडस्ट्री को एक नए टैलेंट्स दिए हैं। और इतना ही नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स को इतने सालों में कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस सीरीज में रोमांस, कॉमेडी, हॉरर, ऑलमोस्ट वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं। 1st नंबर पर है स्क्विड गेम्स। इस सीरीज का अभी एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं और इस एक सीजन वाली सीरीज ने पूरी इंडिया में तहलका मचा रखा है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो माना जाता है। इंडिया के साथ साथ बाकी भी कई सारी कंट्रीज में इस शो की चर्चा हुई थी जिसने 1 बिलियन आर की रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल की थी। साउथ कोरियन के डायरेक्टर के डायरेक्शन में बनी ये वेब सीरीज कंधे तक कर्ज में डूबे 456 लोगों के बीच एक गेम कंपटीशन की कहानी दिखाती है। ये सभी लोग इस कर्ज से निकलने के लिए एक गेम का पार्ट बनते हैं जिसमें उन्हें बच्चों के कुछ खेल खेलने हैं। इस खेल को अगर कोई जीत जाता है तो उसे 45 बिलियन साउथ कोरियन वॉन मतलब लगभग 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन जिस खेल को ये बच्चों का खेल समझ रहे हैं उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। जो इंसान खेल से आउट हो जाएगा वो गेम से ही नहीं बल्कि उसे दुनिया से भी अलविदा कहना पड़ेगा। जी हाँ, इस गेम में एलिमिनेशन का मतलब है जान से हाथ धो बैठना। मुझे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है और आप भी एक बार इस सीरीज को जरूर देखना। तो ये थी टॉप 10 वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा बार देखी गई है। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।